भारत के इतिहास में, उसकी संस्कृति में गंगा का प्रभाव अतुल है। इस देश के कई प्राचीन नगर और विशाल साम्राज्य गंगा नदी के तंत्र के आसपास ही विकसित हुए। दक्षिण भारत तक इस जीवनदायिनी की ख्याति और धार्मिक प्रभाव था। खैर, गंगा के किनारे किनारे आप ऊपर की तरफ चले, हरिद्वार ऋषिकेश को पार कर पहाड़ों में, तो दो नदियों का एक संगम ऐसा आएगा कि आप पूछने को विवश हो जाएंगे, इनमें से गंगा कौन सी है। शास्त्र धर्म और अब जनरल नॉलेज के अनुसार पश्चिम वाली, परंतु पानी पूर्व वाली में ज्यादा है। धार्मिक और सामाजिक महत्व में भी वो कुछ कम नहीं। वास्तविकता में इन दोनों का अपना खुद का महत्व इतना ज्यादा है कि इनका अपना खुद का चरित्र और नाम है जो गंगा से विभिन्न है। पश्चिम वाली जलधारा जिसका नाम भागीरथी है, उस पर कभी और बात करेंगे। आज चर्चा का केंद्र है अलकनंदा। अलकनंदा उत्तराखंड के लिए गंगा के समान ही है। लगभग 200 किलोमीटर लंबी इस नदी पर ही पंचप्रयाग हैं, ऐतिहासिक नगर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, ये सब तो आप आगे देखेंगे ही। अलकनंदा गंगा के चार क्षेत्रीय नामों में से एक है। इसके अलावा वराह और देवी भागवत पुराण की माने तो जब आकाश गंगा ध्रुव मंडल और चंद्र मंडल से होते हुए मेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मलोक में गिरती है तो उसकी धारा चार भागों में पड़ जाती है, सीता, भद्रा, चक्षु और अलकनंदा। इनमें अलकनंदा दक्षिण की तरफ भारतवर्ष को बहती है और सबसे पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों को एक तरफ रख अगर भूगोल पर लौटें तो अलकनंदा नदी उत्तराखंड के चमोली जिले के दो ग्लेशियर्स से निकलती है, सतोपंथ और भगीरथ खड़क। अलकनंदा और भागीरथी आगे भले ही बहुत अलग अलग रास्ते से बहें, परंतु दोनों के ग्लेशियर्स एक दूसरे से लगे हुए हैं। पर्वतों की एक बारीक सी श्रृंखला ही इन ग्लेशियर्स को अलग करती है। उद्गम क्षेत्र के बाद अलकनंदा पूर्व की तरफ बहती है और पहुंचती है माणा गांव, जहां अलकनंदा सरस्वती से मिलती है। माणा को आप में से ज्यादातर लोग आज इस बोट की वजह से जानते होंगे, थैंक्स टू सोशल मीडिया, पर कभी ये छोटा सा गांव तिब्बत या हुण देश के साथ व्यापार का केंद्र था। 1841 में जब सिख साम्राज्य और उनके डोगरा साथियों ने तिब्बत पर आक्रमण किया था तो कुछ लूटपाट के सताए हुए तिब्बती, जिनमें तोलिंग मोनेस्ट्री के लामा भी थे, भागकर माणा की तरफ आ गए थे। 1951 तक माणा से व्यापार चलता रहा। यहाँ से अलकनंदा दक्षिण का रुख करती है और केवल 2 किलोमीटर आगे हम पहुँचते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नगर अलकनंदा की घाटी में है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3100 मीटर है। बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत के लगभग बीच में है। ऑफकोर्स बद्रीनाथ नगर को नाम मिलता है बद्रीनाथ मंदिर से, जो अलकनंदा के पश्चिमी तट पर है। भागवत पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु ने नर नारायण अवतार में तपस्या की थी। मंदिर को 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य का बनाया हुआ माना जाता है। गूगल सर्च करने पर जो तस्वीर आपको दिखती है वो केवल मंदिर का द्वार है। गर्भगृह उसके पीछे है और उत्तर भारतीय नगर शैली में बना हुआ है। 8वीं शताब्दी के बाद कई बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है। बद्रीनाथ देश के चार धामों में से एक है। पंचबद्री में बद्रीनाथ या बद्री विशाल सर्वोच्च है। बद्रीनाथ से आगे अलकनंदा दक्षिण को अपना रुख बनाए रखती है। कुछ ही आगे लामबगड़ में अलकनंदा पर पहला डैम है। थोड़ा और दक्षिण में आकर अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है और इस संगम का नाम है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा को यहाँ तक विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुप्रयाग पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। पंच प्रयाग अलकनंदा या गंगा के 5 सबसे बड़े संगम हैं, जो धार्मिक महत्व में प्रयागराज के ठीक बाद आते हैं। सभी प्रयागों पर विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। धौली गंगा, जिसका नाम शायद इसके रंग की वजह से आया है, धवल मतलब सफेद, विष्णु गंगा से लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है नीति दर्रे के पास से और आगे चलकर इसमें गिरथी गंगा और नंदा देवी से निकलने वाली ऋषि गंगा भी मिलती है। विष्णुप्रयाग के संगम के थोड़ा ऊपर पहाड़ में समुद्र तल से 1861 मीटर ऊपर है जोशीमठ नगर। भगवान बद्रीनाथ के रावल और अन्य पुजारी शीतकाल में जोशीमठ में रहते हैं। नगर का केंद्र एक प्राचीन नरसिंह मंदिर को कहा जा सकता है। भगवान बद्रीनाथ की सर्दियों के 6 महीने पूजा यहीं पर होती है। जोशीमठ उत्तराखंड के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी पूरे उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में राज करने वाले कत्यूरी राजवंश की ये पहली राजधानी थी। बाद में वो दक्षिण की तरफ गोमती की घाटी में जा बसे, जिसका नाम ही कत्यूर घाटी पड़ गया। 1881 में जोशीमठ की कुल आबादी 572 थी। 2011 में जनसंख्या लगभग 17,000 हो गई, अब तो और ज्यादा होगी। बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी और औली को जाने के लिए जोशीमठ प्रमुख पड़ाव है।
विष्णुप्रयाग के बाद अलकनंदा दिशा बदलती है और अब दक्षिण पश्चिम को बहने लगती है। थोड़ा आगे उसमें पश्चिम से कल्पगंगा मिलती है। ध्यानबद्री, कल्पेश्वर और उर्गम घाटी कल्पगंगा नदी पर ही हैं। थोड़ा और आगे अलकनंदा में नंदा घुंगटी पर्वत के पश्चिमी ग्लेशियर से निकलने वाली बिरही गंगा मिलती है। यहाँ से आगे दक्षिण में नदी के किनारे है चमोली गांव, जो कि इस पूरे जिले का नाम भी है। जिले का प्रशासनिक कार्यान्वयन हालांकि गोपेश्वर से होता है, जो नदी के पश्चिमी तरफ एक पहाड़ की धार पर है। नगर में एक प्राचीन गोपीनाथ मंदिर है, जिसका गोरखों ने पुनर्निर्माण किया था। गोपेश्वर रुद्रनाथ के रावल का पारंपरिक शीतकालीन निवास भी है। चमोली गोपेश्वर से ही आप तुंगनाथ, उखीमठ और केदारनाथ को भी जा सकते हैं। ये रास्ता बद्री और केदार क्षेत्र को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है। अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ती है नंदप्रयाग की ओर, जो पंच प्रयागों में दूसरा है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। नंदाकिनी त्रिशूल के पश्चिमी गलों से निकलती है होमकुंड नामक स्थान से। हर 12 साल में होने वाली श्री नंदा राजजात में जब चौसिंगिया खाड़ू को होमकुंड पर छोड़ा जाता है, तो यात्रा की वापसी नंदाकिनी के किनारे ही होती है। नंदप्रयाग के बाद थोड़ा दक्षिण की तरफ आता है पंच प्रयागों में तीसरा कर्णप्रयाग। कहा जाता है यहाँ महाभारत के कर्ण ने सूर्य देव की तपस्या की थी। 7000 की आबादी वाला ये नगर कुमाऊं गढ़वाल के रास्ते में है। कर्णप्रयाग महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का टर्मिनल भी है। अलकनंदा से यहाँ पर पिंडर मिलती है, जो कुमाऊं से उठकर अलकनंदा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। पिंडर का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है। मल्लादानपुर और फिर थराली के मैदानों से होते हुए पिंडर कर्णप्रयाग को जाती है, जहाँ बद्रीनाथ के पास अलकनंदा सागर तल से 3076 मीटर ऊपर बहती है। कर्णप्रयाग में नदी का एल्टीट्यूड केवल 745 मीटर रह जाता है। कर्णप्रयाग के बाद अलकनंदा फिर दिशा बदलती है उत्तर पश्चिम की ओर। अभी तक अलकनंदा ज्यादातर बहुत गहरी और तंग घाटियों से होकर बह रही थी। गौचर में ये सब कुछ बदल जाता है। यहाँ इतनी समतल भूमि है कि उस पर एक हवाई पट्टी है। कुछ समय बाद एक रेलवे स्टेशन भी होगा। यही मैदानों का सिलसिला थोड़ा और आगे नगरासू गोलतीर तक चलता है, पर अलकनंदा की घाटियाँ फिर तंग होने लगती हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास तो नदी की चौड़ाई 7-8 मीटर रह जाती है। एटकिंसन अपने गैजेटियर में इस जगह के बारे में लिखते हैं कि इस जगह एक काकड़ को नदी के इस पार से उस पार छलांग लगाते हुए देखा गया था। यहाँ पर नदी केवल 25 फीट चौड़ी रह जाती है और 500 फीट सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर प्रवाहित होती है। कुछ ही आगे है पंच प्रयागों में चौथा रुद्रप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। मंदाकिनी या स्वर्ग की गंगा केदारनाथ के पास के ग्लेशियर से निकलती है। केदारनाथ के पश्चिम की तरफ से मंदाकिनी दक्षिण की ओर बहती है और सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती है। नदी पर फिर आगे गुप्तकाशी और उखीमठ हैं। उखीमठ केदारनाथ और मदमहेश्वर के रावल का शीतकालीन निवास है। सर्दियों के 6 महीने भगवान केदारनाथ की पूजा भी यहीं होती है। कुल 81 किलोमीटर लंबी मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से केवल 611 मीटर के एल्टीट्यूड पर मिलती है, जो देहरादून से भी कम है। रुद्रप्रयाग नगर नदी से थोड़ा ऊपर 690 मीटर की ऊंचाई पर है और रुद्रप्रयाग जिले का प्रशासनिक केंद्र भी है। रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा श्रीनगर तक ऊंचाई में और नीचे नहीं गिरती, क्योंकि पूरी नदी अब श्रीनगर के द्वार पर बने एक बांध के लिए जलाशय का रूप ले लेती है। जो जलाशय इस डैम की वजह से बना है, उसका प्रभाव सबसे स्पष्ट देखा जा सकता है धारी देवी पर। कभी नदी के किनारे एक चट्टान पर बने इस मंदिर को डूबने से बचाने के लिए उसे उसी जगह पर एक कंक्रीट की संरचना पर उठा दिया गया है। पर वापस श्रीनगर पर आते हैं। जो नदी कोटेश्वर के पास केवल 25 फीट चौड़ी थी, श्रीनगर में कहीं कहीं पर आधे किलोमीटर तक फैल जाती है। श्रीनगर अलकनंदा के दक्षिणी तट पर है, समुद्र तल से 563 मीटर की ऊंचाई पर। गढ़वाल के पहाड़ों का ये सबसे बड़ा नगर कभी उसकी राजधानी भी रहा। पवार नरेश अजय पाल ने श्रीनगर में अपने महल का निर्माण करवाना शुरू किया। श्रीनगर भी उसके बाद धीरे धीरे बसने लगा होगा। कोई एक तारीख दे पाना थोड़ा मुश्किल है। 19वीं सदी श्रीनगर के लिए थोड़ी सी खराब साबित हुई। 1803 में गोरखों के आक्रमण में राजा को श्रीनगर छोड़ना पड़ा। उसी साल एक भूकंप ने नगर को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1816 में सुगौली संधि के बाद जब गोरखा गए और अंग्रेज आए, तो श्रीनगर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, क्योंकि अलकनंदा सीमा रेखा थी। राजधानी टिहरी चले जाने से श्रीनगर के व्यापार और आबादी पर काफी असर पड़ा, और इतना काफी नहीं था तो 1894 में आई एक विशाल बाढ़ ने पूरा श्रीनगर बहा डाला।
फिर कुछ खाली जमीन पर अंग्रेजों ने आज के श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर से थोड़ा आगे है मलेथा गांव। यहाँ के सूखे खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए 400 साल पहले माधव सिंह भंडारी ने अत्यंत परिश्रम और कौशल से एक सुरंग या गूल का निर्माण किया था। इन खेतों पर अब एक रेलवे स्टेशन है। अलकनंदा की यात्रा के अब हम अंतिम पड़ाव पर है। मलेथा के बाद नदी पश्चिम का रुख छोड़ दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। थोड़ा और आगे अलकनंदा फिर से गहरी घाटियों से होते हुए अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचती है, देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। संगम से थोड़ा ऊपर रघुनाथ जी मंदिर है और नीचे संगम तक जाने के लिए सीढ़ियां और प्लेटफॉर्म्स हैं। सागर तल से संगम की ऊंचाई केवल 450 मीटर है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में अंतिम और सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर उच्च हिमालय से निकलने वाली गंगा की सभी जलधाराएं अंततः एक दूसरे से मिलती हैं और इस प्रयाग के बाद नदी को गंगा के नाम से ही जाना जाता है। तो ये तो थी अलकनंदा की 200 किलोमीटर लंबी यात्रा। सतोपंत और भगीरथ खड़ग ग्लेशियर्स पर उद्गम से लेकर देवप्रयाग पर भागीरथी से संगम तक, इससे जुड़ी हुई आस्था और आसपास के क्षेत्रों के वर्णन तक। आपसे मिलूंगा अगली बार। धन्यवाद।